Hello, very good evening, dear all students. Welcome you all in my YouTube channel, Civil Engineering Gurukul. From today's lecture, we are going to start a unit number 5 of mechanics of structure, that is stresses in beam. आप सभी का हमारे YouTube channel Civil Engineering Gurukul में बहुत स्वागत है. आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर की यूनिट नंबर 5 को, जो कि स्ट्रेसेस इन बीम है. तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं. अभी तक हम लोग यूनिट नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम लोग यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को. सो डियर स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग यूनिट, लेट डिस्कस अबाउट दिस सिलेबस. Dear student, as you see here, that is unit number 5 of your syllabus. You see here in module number 5.1, first you have to study about bending stresses in beam. After that, concept of bending, theory of simple bending, assumption in theory of bending, neutral axis, bending stresses and their nature, bending stresses distribution diagram, moment of resistance. In module number 5.2, you have to study about application of theory of bending to symmetrical and unsymmetrical sections. In module number 5.3, you have to study about shear stresses in beam, shear stresses equations, meaning of term in equation, shear stresses distribution for rectangular, hollow rectangular, circular sections and hollow circular sections. In module number 5.4, you have to study about relation between maximum shear stress and average shear stress. Unit number 5 covered total 10 marks of your SBT examination. Dear student, हमें stresses in beam के बारे में इस unit में पढ़ना है, जिसमें module number 5.1 में हमें पढ़ना है कि bending stresses क्या होता है और जो concept है pure bending का वो क्या concept है, theory of single bending क्या होता है, assumption in theory of bending क्या है, neutral axis क्या है, उसके बाद में जो stress का nature है, compressive और tensile, उसके बारे में study करना है, फिर stress distribution diagram कि जो distribution होता है stress का किस तरीके से होता है, उसके बारे में study करना है. Next module number 5.2 में हम लोग पढ़ेंगे application of theory of bending, जो हम लोगों ने जो application जो theory of bending पढ़ा है, उसके application symmetrical section के लिए और unsymmetrical section के लिए कैसे हम लोग apply करते हैं. उसके बाद हम लोग चलेंगे तो 5.3 मॉड्यूल में पढ़ेंगे हम लोग शियर स्ट्रेसेस इन बीम, शियर स्ट्रेस इक्वेशन, मीनिंग ऑफ टर्म इन इक्वेशन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रेक्टेंगुलर, हॉलो रेक्टेंगुलर, सर्कुलर सेक्शंस एंड हॉलो सर्कुलर सेक्शंस. इन मॉड्यूल नंबर 5.4 उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड एवरेज शियर स्ट्रेस. तो ये आपका चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है. ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है सिलेबस के अंदर में. तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो चीज़ें आपको पढ़नी है इस चैप्टर में आपका क्लियर हो गया होगा. तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेसेस इन बीम में. तो डियर स्टूडेंट, जनरली जो बीम होता है उसमें दो तरीके के स्ट्रेसेस आते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस. कौन कौन से स्ट्रेसेस? बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस, जो कि इस यूनिट में हमें पढ़ना है. लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में. ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे ही कोई बीम लोडिंग कंडीशन में होता है, तो लोडिंग कंडीशन में होने के कारण वहां पे शेयर डेवलप होता है शेयर के साथ साथ में, उस शेयर फोर्स के कारण, शेयर फोर्स के कारण वहां पे मूवमेंट भी डेवलप होता है. शेयर फोर्स का अगर कुछ डिस्टेंस है तो वहां पे मूवमेंट भी डेवलप होता है. उस मोमेंट के कारण, उस बेंडिंग मोमेंट के कारण बीम में स्ट्रेस डेवलप हो जाता है. ठीक है, उसे ही हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं. आपको कैसे याद रखना है, बीम में लोडिंग कंडीशन के कारण वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है, उस बेंडिंग मोमेंट के कारण वहां पे बेंडिंग स्ट्रेस जो कि बीम में सेटअप हो जाता है, उसको हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं. उसके बाद और जो जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है उसको हम लोग बात करेंगे अभी. ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन सम एक्सटर्नल लोड एक्ट ऑन ए बीम, द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर सेट अप एट अ सेक्शन ऑफ द बीम. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही कोई बीम एक्सटर्नली लोडेड होता है, क्योंकि बीम पे तो एक्सटर्नल लोड आएगा ही, क्योंकि बीम को बनाया ही इसलिए जाता है कि ताकि उस पर लोडिंग कंडीशन आ पाए, तो उस केसेस में शियर फोर्स भी डेवलप होता है और बेंडिंग मोमेंट भी सेटअप हो जाता है बीम में. ठीक है,
फिर देखिए नेक्स्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे द स्ट्रेसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय बेंडिंग मोमेंट आर नोन एज बेंडिंग स्ट्रेसेस। जो स्ट्रेसेस इंट्रोड्यूस्ड होता है बेंडिंग मोमेंट के कारण उसे हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। तो आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि बेंडिंग स्ट्रेस क्यों डेवलप होता है, बेंडिंग मोमेंट्स के कारण, क्योंकि जब भी हम बीम को लोडिंग कंडीशन में डालते हैं तो वहां पे शियर फोर्स भी डेवलप होता है और बेंडिंग मोमेंट भी डेवलप होता है। तो जो बेंडिंग मोमेंट के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसे हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और क्या क्या है। देखिए एक चीज यहाँ आपको जानना जरूरी है प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग के बारे में। ठीक है, ये स्टूडेंट जो इससे पहले चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं SFD एंड BMD वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अपकमिंग सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो आपको उस चैप्टर को मजबूत करना पड़ेगा और इससे पहले जो भी चैप्टर्स पढ़ाए जा चुके हैं उनको भी आपको मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सिंपल बेंडिंग मतलब होता है कि मान लीजिए कि बीम का लोडिंग कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि वहां पे जो शेयर फोर्स का जो वैल्यू है वो जीरो है। क्या है, शेयर फोर्स का वैल्यू जीरो है और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग किसे कहते हैं। तो प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग वैसा केस होता है जहां पे शेयर फोर्स जो है वो क्या है, जीरो है और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट हो वैसे केस को हम लोग प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग कहते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं इस लोडिंग कंडीशन में, देखिए यहाँ पे शेयर फोर्स जीरो है। अब इसके जस्ट नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि जो बेंडिंग मोमेंट है वो कांस्टेंट होगा उसके लिए। देखिए नीचे में यहाँ पे देखिए उसी रीजन के लिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या है, एकदम कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट एकदम। यहाँ पे जीरो है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, उस केस को हम लोग कहते हैं प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग मतलब शेयर फोर्स इज जीरो एंड बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। वेयर प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग इज अ केस वेयर शेयर फोर्स इज जीरो एंड बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग किसे कहते हैं। ठीक है, ये कैसे आया बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसे बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने बहुत ज्यादा करा रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ लेंथ ऑफ अ बीम इज सब्जेक्टेड टू अ कॉन्स्टेंट बेंडिंग मोमेंट एंड नो शेयर फोर्स मीन्स जीरो शेयर फोर्स देन द स्ट्रेसेस विल बी सेट अप इन दैट लेंथ ऑफ द बीम ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट ओनली एंड दैट लेंथ ऑफ बीम इज सेट टू बी इन प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग। तो आप इस चीज को याद रख लीजिए कि वैसा जो बीम है बीम के उस पोर्शन में जहां पे शेयर फोर्स जीरो है और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है उसे हम लोग कहेंगे प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग। ठीक है, वही ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है स्टूडेंट द स्ट्रेसेस सेट अप इन दैट लेंथ ऑफ बीम आर नोन एज बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो उस लेंथ में यानी प्योर बेंडिंग के लेंथ में जो स्ट्रेसेस सेटअप हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। पहले तो ध्यान रखिए कि प्योर बेंडिंग, तो प्योर बेंडिंग मतलब जहां पे शेयर फोर्स जीरो हो और वहां पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो और उस पर्टिकुलर लेंथ में जो स्ट्रेस सेटअप हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा आपका। मैं कोशिश करता हूं कि आपको जितना बेटर से बेटर कॉन्सेप्ट हो सके मैं दूं आपको और जितना स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकूं मैं करूं। ठीक है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप भी थोड़ा मेहनत करें, है ना। आप लोगों को अपना थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले जो भी SFD BMD के क्वेश्चंस कराए गए हैं उनको आप दो बार चार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्योर बेंडिंग का कॉन्सेप्ट और स्ट्रेसेस इन बीम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो एजम्पशंस है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को ड्राइव करते हैं तो कुछ एजम्पशन होते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशन है इस सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग के। इसमें पहला एजम्पशन है द मटेरियल ऑफ द बीम इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। ठीक है, पहला assumption क्या है, the material of the beam is homogeneous and isotropic। देखिए यहाँ पे homogeneous and isotropic दो term कहा गया है, दोनों same नहीं है। homogeneous मतलब जो हमारा material है उसका जो property है सारे जगह पे क्या है, constant है, उसको हम लोग homogeneous and isotropic कहते हैं। ठीक है, अब देखिए homogeneous मतलब जो हमारा material है same material से बना हुआ है, उसके बाद उसके हर एक direction में properties same है, उसको हम लोग isotropic कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया homogeneous and isotropic। Next है the value of Young's modulus of elasticity is the same in tension and compression zone। मतलब जो भी आपका compression zone है और tension zone है दोनों में Young's modulus की value जो है वो क्या होगी, same होगी। ठीक है, पहला केस क्या था कि जो भी हमारा material है वो homogeneous होना चाहिए, मतलब सारा एक ही material से बना होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा material है उसके हर एक direction में properties क्या होना चाहिए, same होना चाहिए, उसे हम लोग isotropic कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा homogeneous and isotropic। नेक्स्ट पॉइंट द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द सेम इन टेंशन एंड कॉम्प्रेशन साइड।
तो जो हमारा वैल्यू है यंग्स मॉडुलस का, वो उसका टेंशन में और कंप्रेशन में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। आई होप कि यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, देखिए, द ट्रांसवर्स सेक्शन विच वेयर प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, जो हमारा सेक्शन है बेंडिंग के बाद में, क्योंकि जब भी कोई बीम है उस पर बेंडिंग होगा, तो बेंडिंग के पहले का जो सेक्शन था और बेंडिंग के बाद में जो सेक्शन है, तो उसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन जो है बेंडिंग के पहले और बेंडिंग के बाद में दोनों सेम होगा, ठीक है। द ट्रांसवर्स सेक्शन विच वेयर प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, तो ये आपका थर्ड इंपॉर्टेंट एजम्पशन था, ठीक है। नेक्स्ट है फोर नंबर, द बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड ऑल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बेंड इनटू सर्कुलर आर्क विद ए कॉमन सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जो बीम है इनिशियली स्ट्रेट है एंड ऑल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बेंड इनटू सर्कुलर आर्क, जो भी उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो सर्कुलर आर्क में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, जिसका एक कॉमन कर्वेचर होता है, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ अजम्पशन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज कंपेयर्ड विद द डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो आफ्टर बेंडिंग के बाद में, वो क्या होना चाहिए, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज, जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा लार्ज होगा एज कम्पेयर विद द डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन, उसके जो क्रॉस सेक्शन है उसका डायमेंशन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक भी आपका क्लियर हो गया होगा अजम्पशन नंबर 5 तक। अजम्पशन नंबर 6 है डियर स्टूडेंट्स, ईच लेयर ऑफ द बीम इज फ्री टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेयर अबव और बिलो इट, मतलब जो बीम का हर एक लेयर है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए और कंप्रेस होने के लिए, ठीक है। तो ये इसका कोई मतलब ये नहीं, उसको कोई रोका नहीं हुआ, मतलब वो क्या है, वो एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होने के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ थ्योरी ऑफ बेंडिंग्स के बारे में, जो मैं बार बार बात कर रहा था। देखिए, जैसा कि आप इस फिगर में डियर स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं, ये फिगर देख पा रहे हैं, ये बीम का इनिशियल पोजीशन है, मतलब बिफोर बेंडिंग, ये बेंडिंग के पहले की बात है, ठीक है। और ये वाला जो बात है आपका बेंडिंग के बाद का बात है, आफ्टर बेंडिंग। तो बेंडिंग के पहले जो बीम था वो इनिशियली स्ट्रेट था, ये आप देख पा रहे हैं, ए पोजीशन है, ए और बी, यहाँ पे सी डी है, और एन एन जो है वो न्यूट्रल एक्सिस है। मैं बाद में बताऊंगा न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, पहले आप समझिए कि एन एन क्या, वहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है। अब देखिए बेंडिंग के बाद में, जाहिर सी बात है कोई बीम जब बेंड करेगा तो आर्क के फॉर्म में आएगा, वहाँ पे आर्क, सर्कुलर आर्क के फॉर्म में वहाँ पे बन जाएगा। तो ये जो बेंडिंग के बाद का पोजीशन है आपका, ये बेंडिंग के बाद जो है इस तरीके का हो गया बीम, और ये जो न्यूट्रल एक्सिस है आपका ये है। तो डियर स्टूडेंट, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है बेंडिंग के पहले और बेंडिंग के बाद में भी एकदम कांस्टेंट होगा, न्यूट्रल एक्सिस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होगा न्यूट्रल एक्सिस में, बेंडिंग के पहले भी और बेंडिंग के बाद में भी, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट कहता है। तो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए, मैं बता रहा था कि आपको यहाँ पे देखिए, जो आपका ऊपर वाला साइड है ये आपका कंप्रेशन साइड है, और नीचे वाला साइड कौन सा है, टेंशन साइड से, ठीक है। तो कंप्रेशन साइड जो आपका है, ऊपर वाला कंप्रेशन साइड है और नीचे वाला क्या है, टेंशन साइड है। तो ऊपर में जो भी आपका मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा और नीचे में मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होगा, ठीक है। लेकिन ये जो बेंड के बाद का पोजीशन है, क्योंकि बेंड होने के बाद में जो बीम है आर्क के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका अजम्पशन है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस है किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा न्यूट्रल एक्सिस जो हमारा है उससे कितना डिस्टेंस पे है हमारा। जैसे न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ रहा है वहां पे बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ेगा, अगर ऊपर जाएंगे तो कंप्रेशन में बढ़ेगा और नीचे जाएंगे तो टेंशन में बढ़ेगा, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यही चीज इसमें लिखा हुआ है कि जो भी आपका जो स्ट्रेसेस है वो स्ट्रेस किस पे डिपेंड करेगा, न्यूट्रल एक्सिस से जो आपका डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करेगा, ओके। सो ये आपका इनिशियल कंडीशन था बीम का, और ये आपका जो नेक्स्ट है वो बेंडिंग के बाद का कर्वेचर वाला पोर्शन है, वो बेंडिंग के बाद का है, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप, द अमाउंट बाय विच अ लेयर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन अ लेंथ डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द लेयर विथ रिस्पेक्ट टू द एनएन, मतलब जो आपका अमाउंट है कितना इंक्रीज हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है ये डिपेंड करेगा उसके पोजीशन ऑफ द लेयर पे, किसके रिस्पेक्ट में, न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो लेयर है वो कितना आगे है या मतलब उसका कितना डिस्टेंस है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। दिस थ्योरी ऑफ बेंडिंग इज नॉन एज थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, इसी थ्योरी को हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, मतलब जो आपका कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जो आपका स्ट्रेस है इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा उस पर डिपेंड करेगा कि जो आपका एन एन है, जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है उससे कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। और ये जो डेल्टा एक्स है ये स्मॉल आपका एलिमेंटल लेंथ माना गया है, ठीक है। ये बिफोर बेंडिंग का केस है और ये आफ्टर बेंडिंग का केस है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया
क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई भी बीम बेंड करेगा तो उसका जो कर्वेचर है वो फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने से पहले जो भी एसएफडी एंड बीएमडी के लेक्चर्स करा रखे हैं उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और साथ में अभी जो मैंने लेक्चर्स करा रहे हैं अभी मैं, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते चलिए, ताकि आपको आगे आने वाले समय में कभी किसी सब्जेक्ट में दिक्कत ना हो, है ना। अगर आप आज चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में और भी जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, स्ट्रक्चर्स के पार्ट आने वाले हैं, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर्स बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस लेक्चर में, और मैं इसी तरीके से आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाते रहता हूँ जो आपको आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो आप हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, जो नीडीज स्टूडेंट हैं उनको बताइए कि ये आपके लिए, ये चैनल्स जो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए भी, क्योंकि जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो आप तक उसके बाद जब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर्स में जो भी चीज़ें बताई गई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। सो दिस इज द एंड पार्ट ऑफ माई वीडियो, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।